भाइयों आओ टाउन हॉल 11 की भसड़ में पैर फंसाओ, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए सबसे पहले भाई वो सब्सक्राइब बटन के अंदर अपनी जाकर उंगली फंसाओ, ठीक है भाई। अब चलो चलो हम आ गए हैं भाई सदियों के बाद टाउन हॉल 11 के अकाउंट के ऊपर अपने। और टाउन हॉल 11 के अकाउंट पे क्यों आ गए, क्योंकि भाई टाउन हॉल 13 से मैंने आपको बहुत ही इलेक्ट्रो अटैक दिखाए, बार बार बंदे भाई मैसेज कर रहे थे कि टाउन हॉल 11 पर 12 पर छोटे छोटे से जो बेस होते हैं ना आइलैंड पाइलैंड टाइप के, उस तरह के बेसिस मिल जा रहे हैं, और भाई बंदों के समझ में ना रहा कि उन पर कैसे अटैक करें। तो हमने सोचा यार अपना टाउन हॉल 11 का अकाउंट खोल लेते हैं आज, और भाई हाल फिलहाल में अपना आगे जाकर टाउन हॉल 12 का भी खोल लेंगे, वहां पे आपको सिखाएंगे भाई टाउन हॉल 11 पे और 12 पे। आज मैंने सोचा कि यार आपको टाउन हॉल 11 का तो सिखाई देता हूं, या कोशिश करता हूं कम से कम चौड़े चौड़े बेसिस ढूंढा जाए और उन बेसिस को भाई खूब चौड़ा कर दिया जाए। समझ गए होगे आप भाई, बहुत समझदार लोग हो आप। चलो भाई सबसे पहले अटैक करते हैं, उससे पहले एक बार जरा क्लैन गेम देख लेते हैं भाई अपोनेंट, हाँ अपोनेंट कह रहा हूँ, क्लैन में भाई क्लैन गेम की क्या प्रोसीजर है, बंदों ने कितने पॉइंट्स करे हैं अभी तक, और हमने भी भाई एक वो करा है यार। इस बार अवार्ड को रिवॉर्ड रिवॉर्ड कोई बढ़िया से नहीं आया है ना, चलो कोई नहीं 18,000 पॉइंट हो गए हैं। चलो जी अब अपना अटैक करते हैं और बड़ा चौड़ा चौड़ा सा बेस ढूंढते हैं भाई, और ये भी बताऊंगा साथ ही साथ भाई आपको बैटल ब्लिम कब यूज करनी चाहिए, स्टोन स्लैमर कब यूज करना चाहिए, बैटल ब्लिम से भी मैं आपको अटैक करके दिखाऊंगा, उसके बाद भाई मैं आपको स्टोन स्लैमर से भी अटैक करके दिखाऊंगा है ना, तो दोनों तरह के कंडीशंस में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ये वाला बेस है, इस तरह के बेस अगर आपको मिल जाए तो आपको यूज करनी चाहिए बैटल ब्लिम, और चलो इतना चौड़ा तो नहीं है पर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद इससे भी बड़ा इससे भी फैला हुआ और चौड़ा बेस ढूंढेंगे भाई, और उसके ऊपर देखो 3 स्टार हो या ना हो, आपको यहां पे जो मेरा मकसद है ना वो मेरा मकसद ये है कि आपको एटलीस्ट अटैक के बारे में आपको अटैक करना कैसे, किस साइड से करना है, और कब बैटल ब्लिम कब यूज करना है, कब स्टोन स्लैमर यूज करना है, कम से कम उस चीज का तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए। इसलिए भाई हम क्या बैठे वीडियो बनाने बैठे हैं। अब देखो यहां पे आपको एक तरफ से ऐसे आर्मी उतारनी है भाई, और डिसीजन कैसे होगा कौन सी साइड से अटैक करना है भाई, डिसीजन के पता करने के लिए थोड़ा सा आपको मतलब क्या बताऊं मैं, वो होती है आपको की डिफेंसिस देखने होते हैं कि भाई बेस के ना की डिफेंसिस कहां पे है, ऐसे वाले डिफेंसिस कहां पे हैं जो आपको भाई क्या कहते हैं इलेक्ट्रो को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे है ना, उनको आपको शुरू में मारना है, उनको शुरू में मारते के साथ ही बेस खत्म। तो मैं ये देख रहा था कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज भाई कहां पे इस बेस का है ना, कोर में था और कोर के पास ही क्या था भाई इन्फर्नो था, मैंने कहा सबसे पहले इन्हें उड़ा देता हूं भाई, अगर ये उड़ गए तो बेस खत्म। और बैटल ब्लिम का यूज इसलिए करा कि टाउन हॉल जल्द से जल्द उड़ जाए, मार्केट में टाउन हॉल बचे ही ना, दो भाई देख लिया होगा आपने टाउन हॉल भी उड़ गया और सब कुछ उड़ गया यार इसका, तो क्या बताऊं मैं, दो फ्रीज बची हुई है और सिर्फ एक अभी जो हमारे लिए खतरे की चीज है वो बस सिंह भाई एयर डिफेंस बचा हुआ है, पर अब ये भी ज्यादा देर टिक ना पाएगा भाई, इसका भी स्वाहा हो जाएगा मार्केट में। लो जी हो गया स्वाहा, पहले बेस का कर दिया भाई दंदन सतगुरु इसका तो हमने, चलो जी बहुत बढ़िया दुम उठा दिया, फ्रिज व्रिज स्वैग कर देते हैं, उसके बाद अगले अटैक की तरफ चलेंगे भाई। ओह फ्रिज गलत तो स्वैग नहीं कर दी मैंने वो बची हुई है क्या कहते हैं इसका, अरे क्या नाम है इसका याद ही नहीं आ रहा यार मुझे, एक्सबो का नाम ही याद नहीं आता, पर देखो कोई बात नहीं अभी हमारी क्वीन की काफी पावर बची है तब भी ट्रिपल हो ही जाएगा, फ्रीज स्वैग करके भी हो जाएगा ट्रिपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस तरह का जो बेस है आपको बैटल ब्लिम यूज करनी चाहिए जिसमें सेंटर टाउन हॉल है ना, टाउन हॉल जिसका खोपचे में आपको लग रहा है इलेक्ट्रो आपके पहुंच नहीं पाएगी, तुरंत बैटल ब्लिम निकाल लो। अब मैं आपको दिखाऊंगा स्टोन स्लैमर के साथ अटैक करके है ना, इस बार डोनेशन में लेते हैं स्टोन स्लैमर और ऐसा बेस ढूंढते हैं जिसमें स्टोन स्लैमर से अटैक हो सके है ना भाई। चलो जी लाओ जी डोनेशन दे दो बाल को जल्दी से, उसके बाद फिर हम वो कर देंगे क्या नाम है बंदे को बोल, तब तक मेरे हो सकते हैं, तब तक बंदे से बोल लेता हूं भाई से हाई टू यूट्यूब बोल देंगे बंदे, हाय टू यूट्यूब जो भी बंदे हो ना भाई, थोड़ा सा अपना खुश हो लेंगे अपना नाम देख के भाई, देखो है ना क्लैन के बंदे तो इनको थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि भाई इनका नाम भी आपको यूट्यूब पे देखने को मिले। और भाई जो भी लोग हमारे क्लैन में आते रहते हैं हम तो सबको कोशिश करते हैं कि भाई हर किसी का नाम भाई शाउट आउट किया जाए, हर किसी का नाम भाई अपने चैनल पे जितना ज्यादा लोगों का दिखाया जा सके कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें क्या बुरा लगेगा इस चीज से, हमें तो भाई खुशी की बात है कि यार ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्लेटफॉर्म हम इस लायक है कि भाई लोगों को थोड़ा सा 4 लोगों तक पॉपुलर कर पा रहे। चलो जी बहुत बढ़िया, चाय पापे खा के मजे करो गाइस, चलो जी चाय पापे खा लिए, अब जरा आर्मी को ना जैम कर देते हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तुरंत जैम मारो और अगले अटैक की तरफ चलते हैं। आपको सिखा रहे हैं भाई आज आपको अलग अलग तरह के बेसिस के ऊपर अटैक है ना, अब इस बार जो अटैक करूंगा ना एक अलग तरीके बेस पर अटैक करूंगा, जैसा ये पिछले वाला बेस था ना उससे अलग तरह पे, अब इसके ऊपर मैं अटैक करता पर इसके भाई इन्फर्नो अपग्रेड में तो फायदा नहीं होगा, ये वही वाला बेस है जिसके ऊपर अगर आप घुमा के बना हुआ है। हाँ इस तरह के बेसिस पे अटैक करने के लिए ना आपको बैटल ब्लिम चाहिए होती है, देख लो भाई जो ऐसे वाले बेस है ना इस तरह के बेसिस पे आपको बैटल ब्लिम यूज करनी चाहिए। अब ये वाला बेस है, ये वाला तो
तुरंत ही ध्वस्त हो जाएगा अगर इसके ऊपर मैं अटैक करूंगा। और बढ़िया धुआंधार बेस ढूंढते भाई। एक चलो ये वाला है, इस पर भी वैसे तो आपको बैटल ब्लिंप यूज करनी चाहिए। सोच रहा हूं इसके ऊपर अटैक करके दिखाऊं या और ज्यादा खुला और ज्यादा फैला हुआ बेस ढूंढते हैं। अब यार अब बंदे कहेंगे इसके ऊपर भी यार बैटल ब्लिंप की जरूरत होती है, क्योंकि कोर में ना आर्मी जाती नहीं है कई बार और फिर हो जाती है दिक्कत। पर मैं सोच रहा हूं चलो फिर भी कर ही दूं यार इसके ऊपर अटैक, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा वन स्टार ही तो होगा, ज्यादा क्या होगा इसका। यार मेरे को दूसरा एयर स्वीपर नहीं दिख रहा, एयर स्वीपर कहां है इसका, एक एयर स्वीपर दिख रहा। अच्छा ये रहा, दिख गया, दोनों टाउन हॉल के पास है। चलो कोई नहीं, अटैक करते इसके ऊपर ही, कोशिश करेंगे इसको ट्रिपल मारने की। मेरा भी शायद होम बेस यही है, मैं भी वॉर के अंदर यही यूज करता हूं। चलो जी, वॉर वगैरह में आपको इस तरह के बेसिस देखने को मिलते रहते हैं। अब मैं यहां पे इस तरफ से क्यों अटैक कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसकी जल्द से जल्द आर्टिलरी को उड़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं आर्टिलरी की तरफ से भाई अटैक कर रहा हूं। समझ गए होगे बालको आप, और ना भी समझे तो भी कोई दिक्कत ना है। आर्टिलरी उड़ानी है इसकी जल्द से जल्द, मार्केट में अत्यंत तुरंत, क्योंकि एक बार आर्टिलरी उड़ गई ना भाई उसके बाद ये बेस उड़ा उड़ा हांडेगा, मतलब मार्केट में ना इसको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ये बेस गया का अगर समय से। हाँ आर्टिलरी उड़ गई, अब ये बेस बच नहीं सकता भाई, कोई दुनिया की ताकत इस बेस को बचा नहीं सकती। ठीक है भाई, आप देखना स्वैग वैग भी मार देंगे इसके ऊपर हम, ट्रिपल तो छोड़ो स्वैग वैग मारेंगे इसके ऊपर। लो जी रेज मार के बेस खत्म, लो जी ध्वस्त मार्केट में बेस एकदम गायब, लो जी डबल फ्री स्वैग। अब कुछ बंदों का भाई मेरे पास मैसेज भी आया था कि यार ये वाला जो बेस है ना इसका मेरे को वो बताना, क्या नाम है, एक बंदे ने मेरे को वो भेजा था, इसका वो भेजा था, क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट भेजा था भाई, कह रहे यार ये वाला बेस है कैसे करूं। अब भाई मैं मैसेज पे कैसे बताऊं कि कैसे करूं, तो भाई मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देंगे, जब भी मौका मिलेगा ऐसा बेस मिलेगा ढूंढ के भाई ट्रिपल मार देंगे। और आज ही हत्या चढ़ भी गया और भाई इसकी गधी भी बिठा दी हमने। चलो जी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद एक और एक अलग तरह का बेस ढूंढेंगे है ना, उसमें स्टोन स्लैमर से अटैक करूं या बैटल ब्लिंप से अटैक करूं। चलो स्टोन स्लैमर से ही करता हूं, और ज्यादा फैला हुआ चौड़ा चौड़ा बेस ढूंढते हैं। इस बार आइलैंड वाला बेस ढूंढेंगे भाई, जो वो वाला होता है क्या कहते हैं, अरे क्या नाम है, डोनेशन दो पहले जरा, उसके बाद देखते हैं। दो स्पेल स्वैग, स्वैग वैग तो भाई ऐसे ही करते रहते हैं हम तो, कोई छोटी मोटी बात है, स्वैग वैग में क्या रखा है। डोनेशन आ गई है भाई, बंदे कह रहे हैं मोगम्बो सारी आर्मी वो कर दे, जैम कर दे, ले भाई जैम कर देंगे, जैम बहुत है कोई दिक्कत नहीं, खाली तो होगा और क्यों होगा। चलो जी ये भी जैम हो गए भाई, सब कुछ बहुत जैम लग रहे हैं भाई, बहुत जैम लग रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, इतना समय नहीं है ना भाई अपने पास के आर्मी आईडी को रोके बार बार, क्योंकि अपने पास भाई अभी देखो वो नहीं है क्या कहते हैं कट पेस्ट करने का ना ज्यादा जुगाड़ नहीं है मेरे पास वीडियो के अंदर, क्योंकि कट पेस्ट करने के लिए ना आपके पास फिर भी कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए। अभी तुम्हारे भाई के पास कंप्यूटर ही नहीं है, और कंप्यूटर भाई आज मैं देखने भी गया था जिस तरह का मेरे को चाहिए, मैं सोच रहा हूं उसका तो भाई एक्सपेंस बैठ रहा है 130,000 रुपए का कंप्यूटर बैठ रहा है, वो सुन के मुझे चक्कर से आ गए, बहुत महंगा भाई ये तो। पर देखो लेना तो है ही, मैं सोच रहा हूं दिसंबर में शायद मैं ले लूंगा कंप्यूटर, अगर आप लोग भाई अपने सपोर्टर प्यार बनाए रखोगे इसी तरीके से। मार्केट में देखो अपने को बहुत आगे जाना है ना, आसपास तो रुकना ही नहीं है भाई, होले होले धुम्मा उठा देना मार्केट में, उसके बाद भाई बढ़िया एडिटिंग पैडिटिंग करके हम भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए करेंगे और अलग तरीके की। तो अभी तो, और जब भाई बंदे हाँ कमेंट में ना वो करके बता देना भाई कि अगर किसी को भाई मेरा सेटअप अगर जब मैं खरीदते टाइम जाऊंगा उसका वीलॉग वगैरह अगर आप कहोगे कि भाई आप जब खरीदने जाओगे तो वीलॉग बना लेना, कहाँ कहाँ आप गए, क्या क्या आपने खरीदा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन थी, कौन सी दुकान थी, मैं इस तरह का कोई वीलॉग भी आपको बना करके दिखा दूंगा जब मैं भाई अपना कंप्यूटर लेने जाऊंगा, आप बता देना। चलो जी अभी तो फिलहाल अटैक करते हैं और मार्केट में चौड़ा सा बेस ढूंढते हैं, खूब बड़ा लंबा चौड़ा 400 किलोमीटर लंबा बेस ढूंढना भाई। पर भाई जब वही वाली बात है, जब आप ढूंढोगे ना बंदा मिलेगा ही नहीं। आप समझ गए होगे ना, बंदा वैसा आपको सारे दिन दिखता रहेगा रोड पे घूमता हुआ, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होगी ना भाई उस टाइम वो सारी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी गायब हो जाएगा एकदम मार्केट से, बंदा देश छोड़ के भाग जाते हैं ऐसे टाइम पे, जब आप बंदे को आपका कोई खास यार दोस्त हो, मान लो सपोज करो आपका कोई फ्रेंड है, जब आपको उसकी जरूरत है वो उस टाइम पे नहीं मिलेगा, और वैसे भाई वो आपको सारे दिन गलियों में घूमता हुआ नजर आता रहेगा, उसी तरह का काम हो रखा है। अब हमको यार वो छोटे वाला बेस नहीं मिल रहा, ओहो देखो बेस मिला पर ये बेचारा अपग्रेड पे, और बेचारा क्या नाम है ये ध्वस्त बेस है, इसके ऊपर क्या अटैक करे, वो ही नहीं इसके पास ना इन्फर्नो है ना आर्टिलरी ना कुछ है, कोई अच्छा सा बेस मिला तो हूं भी यार उसको, कोई नहीं सर्च करते हैं थोड़ी देर, क्या दिक्कत है, अच्छा सा बेस तो हम ढूंढ के रहेंगे। ये भी कमजोर बेस है यार, हैवी बेस दो मेरे को एकदम, हैवी वेट चैंपियनशिप वाला बेस, जिसको देख के मैं भी टेंशन में आके स्किप कर दूं। ऐसा कोई बेस ना है क्या जिससे डर के हम भागेंगे। ठीक है भाई बेस ढूंढेगा बढ़िया सा, नेक्स्ट
नेक्स्ट चल रहा है अभी तो मार्केट में बल्ला। क्या हो गया भाई, भेस सब छुप गए क्या डर के मारे हमसे? सारे भेस गायब हो गए, मार्केट छोड़ के भाग गए। अब मैं अटैक कर दूंगा, मेरे अंदर सबर नहीं आ रहा। अब मेरे को जो थोड़ा सा बड़ा सा छोटा सा मिलेगा मैं तो अटैक कर दूंगा भाई उस पर। अब सबर नहीं है हमारे अंदर यार, ये बेस इतना ईजी है मैं क्या अटैक करूं इस पर? मेरा अटैक भी करने का मन नहीं कर रहा। टाउन हॉल 12 पे ही कर दूं क्या? ये तो वैसे ही ध्वस्त हो जाएगा, ये टाउन हॉल 12 नाम का टाउन हॉल 12 ही है भाई। सब बेस भाग लिए, डर के हमारे गायब हो गए मार्केट से। अब यार ये भी कोई अच्छा बेस नहीं है। चलो ये थोड़ा खुला खुला सा है, हाँ इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं स्टोन स्लैमर के द्वारा। और वापस से सेम स्ट्रेटेजी रहेगी, आर्टलरी को जल्द से जल्द उड़ा देना इसमें, ठीक है भाई? चलो जी, इसलिए हम आर्टलरी की तरफ से अटैक कर रहे हैं। फनल बना लेते हैं थोड़ी सी क्वीन से और इधर किंग से, एक बेबी ड्रैगन इलेक्ट्रो ड्रैगन फैला के, खूब फैला के, उसके बाद बलून्स फैला के, स्टोन स्लैमर खोपचे में। ये उतारा हमने क्या? अरे यही एबिलिटी दे दी भाई। ले भाई सीसी में भी ट्रूप रख रखे इसने तो, पूरा लाखों चने चबवाएगा हमसे लग रहा है बंदा। मेहनत कराने के मूड में हमसे ये, कोई बात नहीं भाई मेहनत कर लेंगे ट्रिपल मारने के लिए इस बार। और ना भी होएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर होना तो चाहिए भाई। यार ये दिक्कत हो गई थोड़ी सी, उधर वाला इन्फर्नो बच गया और इधर क्वीन भी ना मर रही। एक ही इन्फर्नो ड्रैगन परेशान करेगा क्योंकि आर्मी सारी की सारी इस तरफ निकल के आ गई। हाई परसेंटेज पे जाके फंस सकता है भी अटैक, पर ट्रिपल भी हो सकता है, दो ड्रैगन बचे हुए हैं, मुश्किल है अब, पर कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। चलो जी, उधर का ये कंपार्टमेंट बच गया भाई, कंपार्टमेंट को छोड़ के आर्मी निकल गया, हमारी आ गई कंपार्टमेंट पेपर में कंपार्टमेंट आ गई भाई हमारी। ट्रिपल होएगा कि नहीं होएगा अब सिर्फ भगवान जानता है, इस चीज को हम नहीं जानते। हमने अपनी तरफ से गधी बिठाने की पूरी कोशिश कर दी थी, पर कभी कभी आर्मी आपकी सुनती नहीं है भाई। पर मेरे को लग रहा है कि अभी भी हो सकता ही है, अगर बस ये दोनों इलेक्ट्रो मिलके इसको तोड़ दे किसी तरह से, अगर ये तोड़ दी तो ये ट्रिपल है बस। मैं और कुछ देखने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं टूटेगी या नहीं। ना टूटी भाई, ना टूट रही। अरे एक्सपो ही ना टूट के दे रही इनसे, एक्सपो टूट जाए तो काम हो जाएगा। ले भाई टूट गया एक्सपो, अब ये ट्रिपल होएगा। अब ये क्वीन इसको जाके मार के रहेगी, और ना मारा तो क्या करे, 99% भी जाके रुक जाएगा। ले भाई फुल हेल्थ है इसकी तो, क्या नाम है अरे जो भी नाम है इसका, इन्फर्नो इन्फर्नो टावर की भैया फुल हेल्थ है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब भी भाई दो ट्रिपल हमने मारे, और एक अटैक और कर दूं क्या? अच्छा यहाँ देख लेते हैं भाई रिवॉर्ड वगैरह में हमारे लायक कौन सी चीज़ है खेलने के लिए। चलो छोड़ो, एक फार्मिंग अटैक करते हैं और बंदों को भाई थोड़ा सा फार्म करना सिखाते हैं। चलो जी फार्मिंग अटैक करते हैं, वो भी टाउन हॉल 12 के ऊपर। कहा है मेरी टाउन हॉल 12 की आईडी? ये रही, टाउन हॉल 12 में चलते हैं और फार्मिंग अटैक करते हैं जोरदार तरीके से, खतरनाक वाला। आओ जी, हेलो वॉइस बोल देते हैं, बेबी मोगेम्बो हाय बोल रही है चलो छोड़ो, चैट वैट में कुछ नहीं लगा, अब अटैक दिखाते हैं। और मैं अटैक क्यों दिखा रहा हूं? बंदे कह रहे हैं यार हमको ना वो नहीं मिल रहा, डार्क एलिक्सर नहीं मिल रहा। अब भाई आपको कैसे डार्क एलिक्सर नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं यार जब गोब्लिन से अटैक कर रहे हैं भाई, गोब्लिन से डार्क एलिक्सर कैसे ढूंढे? देखो भाई ऐसे ढूंढो, हमने जैसे पहले क्लिक में ढूंढ दिया, अब इसको लूटा कैसे जाए वो देखना है बस। लूटने के लिए भाई अंदर कूदानी पड़ेगी आर्मी, क्योंकि डार्क एलिक्सर है अंदर की तरफ, इसलिए आपको बनानी पड़ेगी जंप, है ना? जंप बना दिया हमने, गोब्लिन छोड़ दिए, अब ये जंप पैसे जाएंगे, डार्क एलिक्सर लूट के लाके देंगे हमको भाई। आप देखो कैसे लूट के लाके देंगे, अब ये टाइम लगा रहे लोंडे बहुत ज्यादा। लूट लिया एक तरफ से तो लूट लिया, अब दूसरी तरफ से भेजते हैं इनको भाई वापस से मार्केट में। जाओ बालको जाओ, डार्क एलिक्सर लूट के आओ, रानी से मत बतलाना, रानी तुम्हें पकड़ के पीट देगी अगर रानी से बात करोगे तो। रानी से बात करी जिसने उसका काम खराब हो जाएगा भाई, रानी से बिल्कुल मत बात करना, रानी बदतमीज किस्म की औरत है भाई ये, तुम्हारा पकड़ के तो रैपट मार देगी। चलो जी डार्क एलिक्सर लूट लिया, कितना लूट लिया हमने? 2700 डार्क एलिक्सर लूट लिया भाई, कितनी देर लगी? जरा सी भी देर ना लगी। चलो जी एक अटैक और करते हैं फार्मिंग का,
जंप बना रखी है हमने, जंप इसीलिए बना रखी है, और कोई ट्रुक की जरूरत नहीं है, कोई स्पेल की जरूरत नहीं है, आप बस जंप बनाओ और भाई जहां पर डार्क एलिजर है अंदर कुदा दो आर्मी को, और बाहर है तो बार बार से लूट लो। चलो जी एक आधा अटैक और करते हैं, उसके बाद भाई आज के लिए इतना कर देंगे। आहा ठंड से हो रही है भाई दिल्ली के अंदर, प्राण घटकम हो रखा है एकदम माहौल, और कोरोना बहुत फैल रहा है भाई, सब लोग अपने एकदम सेफ्टी से रहो, मास्क वास्क सब पहन के रखो। मैं घर के अंदर बैठा हूँ भाई इसलिए मास्क नहीं लगा रखा, घर के बाहर जाता हूँ मैं हर वक्त मास्क लगा के रखता हूँ भाई, मास्क बिल्कुल नहीं उतारना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, अपना अपने परिवार का भाई ध्यान रखो, ठीक है भाई। कोरोना के साथ बिल्कुल पंगेबाजी मत करो, बिल्कुल किसी तरह का मजाक नहीं चलना चाहिए कोरोना के साथ। आओ जी अटैक किधर गया, एक बेस और ढूंढते भाई बढ़िया सी लूट का, और बस इतना तो बहुत है, मिली ना रहा, किस्मत खराब हो गई क्या हमारी आज यार, ये समय सही नहीं मुझे लग रहा है सिस्टम में वीडियो बनाने बैठा हूं, किसी को मारने जा रहा हूं तो बेस नहीं मिल रहा, लूटने जा रहा हूं तो बेस नहीं मिल रहा, क्या हो रहा है आज ये। चलो एक मिलाइए पर इस पर एलेक्जर वो ज्यादा है, क्या नाम है एलेक्जर तो ठीक ठाक है इस पर, डार्क नहीं है, पर चलो कोई नहीं भी एलेक्जर लूट लेते हैं, हमारे को तो एलेक्जर की भी जरूरत है भाई, गरीब हो रखी है ये आईडी एकदम एकदम, बस बहुत गरीब हो रखी है, इससे ज्यादा गरीब आईडी आपको मिलेगी नहीं, इसको अमीर करना है भाई, पर अभी तुरंत अत्यंत प्रचंड। लूटो भाई लूटो एलेक्जर लूटो फटाफट, बिना समय वेस्ट करे एलेक्जर लूट लो, लूट लिया काफी एलेक्जर वैसे तो, इसको तोड़ो दीवार को तोड़ो, अभी देखना गोबलिन कितनी स्पीड से दीवार तोड़ेगी, स्पीड देखो इनकी गोबलिंस की, इन्हें जरूरत नहीं है वॉल ब्रेकर की भी, ऐसे लूटते हैं ये, ऐसे खाली कर देते हैं भाई एलेक्जर। चलो थोड़ा सा अब ये गोल्ड भी लूट लेते हैं, अब यार बंदे कह रहे हैं बताओ उन्हें डार्क ना मिल रहा, ये ना मिल रहा, वो ना मिल रहा, अरे आपको भाई कुछ करने की जरूरत ही ना है, सब कुछ मिल जाएगा, देखो 560,000 की एलेक्जर ड्रुक ऐसे ही मिलेगी, टेंशन मत ले करो, 1200 डार्क मिलेगा, 2700 पहले में मिला था, कितना होगा 3900 डार्क हो गया यार, बताओ 5 मिनट भी ना लगी होंगी मेरे ख्याल से, 5 मिनट भी ज्यादा कह दी मैंने, 5 मिनट में तो भाई बहुत मिल जाता है यार। चलो ठीक है आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना क्या रखें ध्यान रखें।